I'm 34 weeks pregnant today. Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो चीजें थी जो मुझे फर्स्ट ट्रेमेस्टर में काफी काम आई एंड हेल्प मी कोप थ्रू. वो ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको काम आए, इससे कुछ ज्यादा आए, हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको इतनी यूजफुल ना लगे. तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, पिक एंड चूज कर सकते हैं. बट इसमें मोस्टली ऐसी ही चीजें हैं जो सबको काम आएंगी और इसेंशियल है. सो लेट्स डाइव राइट इन. सो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है. बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी ऐसा डाउट हो कि आपको टेस्ट करना है, आप एटलीस्ट दो किट्स लें, बिकॉज समटाइम्स एक फॉल्टी हो सकता है. तो दोबारा जाने और लाने और ये सोचने से इट्स बेटर एक टाइम पे आप दो परचेज करें एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है इंटरनेट पर. दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ पूरे 9-10 महीने की इस जर्नी में साथ रहेगी. सो ज़रूरी है कि वो आपकी बातें सुने. अगर आपको कुछ इमोशनल चीज़ें शेयर करनी है या कोई ऐसे डाउट्स हैं जो सबसे आप नहीं शेयर कर सकते, तो शी शुड बी विलिंग टू लिसन. तो आप डोंट थिंक कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट चेंज करनी है. अगर आप शुरू में अर्ली ऑन चेंज करनी है तो अर्ली ऑन ही ये चीज़ करें. बाद में, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री बनती जाती है, तो जिस गायनेकोलॉजिस्ट से आप इंटरेक्ट करते हो उससे एक बॉन्ड स्टैब्लिश होता जाता है. वो आपको बेटर जानते हैं, आपके सिम्टम्स को बेटर जानते हैं. तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, शुरू में चेंज कर सकते हैं. और चेंज करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. आपको कंफर्टेबल होना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल जर्नी. यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ. इट हैज़ टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर यू एंड फॉर द बेबी टू कम. तो इसलिए शुरू में अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट चेंज करना है, आप कर सकते हैं. बट मेक श्योर टू फाइंड अ गुड वन जिसे आप रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड अ ब्यूटिफुल जर्नी. नेक्स्ट, आप एक प्रेगनेंसी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वी आर वेरी लकी टू लिव इन टाइम्स वेयर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल. तो हमें अपने सिम्टम्स समझ में आ सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं या कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप्स हैं. मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, माइलो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट प्रेजेंट कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं. और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, बेबी सेंटर, और आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप चाहिए. उसमें आपके बेबी की ग्रोथ वीकली वो ऐप आपको बताती है, आपके सिम्टम्स बताती है, रेसिपी सजेस्ट करती है. इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल ऐप. यू कैन शेयर इट वो उसके कॉन्टेंट्स विद योर हस्बैंड ऑल्सो. तो उनको भी पता रहेगा कि आप वॉट आर यू गोइंग थ्रू, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. कभी कभार आप अहेड जाकर भी देख सकते हैं कि अच्छा ओके आगे ऐसा होगा. आपके बेबी का साइज बताता है ऑलमोस्ट, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग टू प्रॉब्ली डाउनलोड एंड अंडरस्टैंड बोथ इमोशनली एंड ऑल्सो लाइक साइंटिफिकली वेन यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए थी इज़ अ प्रेगनेंसी गाइड बुक. दिस वन इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाइड बुक एंड माई वेरी स्वीट नेवर गिफ्टेड इट टू मी. इसमें एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न, इशूज फॉर मॉम्स, कॉन्ट्रसेप्शन आफ्टर डिलीवरी, न्यू बॉर्न के साथ क्या करना है, कैसे उसे घर लाना है, ब्रेस्ट फीडिंग. और साथ में जर्नी तो है ही प्रेगनेंसी की, लेबर, चाइल्ड बर्थ, इलेक्टिव सी सेक्शन, वजाइनल बर्थ. अ रियली रियली नाइस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता होगा, ये उसी तरह से है जैसे हम एग्जाम देते हैं. तो अगर हमें पता होगा कि हमें क्या क्या चाहिए एग्जाम में, ये पेन, वो पेन, ये रबर, तो हम वी विल गो बेटर प्रिपेयर टू द एग्जामिनेशन सेंटर. और वो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो टेंशन तो सबको होता है एग्जाम का, बट यू विल बी प्रिपेयर्ड. तो दैट्स वॉट दिस बुक हेल्प्स इन, कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे कि क्या होना है, आपको पता होगा. सो आई हाईली रिकमेंड रीडिंग अ प्रेगनेंसी गाइड बुक. तो ऑल्दो आई एम रिकमेंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस इज जस्ट वॉट हैज हेल्प्ड मी. आपको अपने सिम्टम्स ट्रैक करने हैं और अपने डॉक्टर से पूछना है और उन्हीं की एडवाइस माननी है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं और सबकी जर्नी अलग होती है. बट हाँ, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन इज पावर. अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपको थोड़ी नॉलेज रहेगी एंड यू कैन बी मोर इन्फॉर्म्ड. नेक्स्ट, यू कैन हैव अ प्रेगनेंसी जर्नल. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सिम्टम्स इसमें रखूँ, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर बहुत जल्दी जल्दी नहीं बुलाते हैं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4-5 वीक्स में बुलाते हैं, तो हम जो पहले की चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं और फिर वहाँ बताना भी भूल जाते हैं. तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें और जो भी सिम्टम्स हैं उनको लिखें. और अगर किसी सिम्टम पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है या ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो अगर आपको लगता है उसमें यूटीआई के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जस्ट अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सब डॉक्यूमेंट करना आपको हमेशा हेल्प करेगा टू आस्क, क्योंकि डॉक्टर की विजिट होती छोटी सी है, उसमें आप एक महीने बाद आए हो, तो हाउ विल यू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन दैट 10-20 मिनट्स विजिट. इससे बेस्ट है आप अपने सिम्टम्स को जर्नल करें और दैट विल हेल्प यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ फाइल फोल्डर प्रिपेयर्ड. इसमें आप अपने, क्योंकि यहाँ पे आपकी जर्नी शुरू हुई है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कभी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस आएंगे, बिल्स आएंगे, मेडिसिन रिकमेंडेशंस आएंगी, आप बहुत सारे USGs आएंगे, स्कैन्स आएंगे, तो इट्स गुड कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक जगह डॉक्यूमेंटेड रहे, क्योंकि इवेंचुअली जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको इधर उधर वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपकी पूरी हिस्ट्री आपके पास एक जगह एक फाइल फोल्डर में डेट वाइज ऑर्गेनाइज रहेगी, और आप भी उसको रेफर कर सकते हैं कभी भी, और अगर किसी मेडिकल प्रोफेशनल को रेफर करने की ज़रूरत है तो वो भी रेफर कर सकते हैं. ऑल्सो इन केस यू चेंज द गायनोकोलॉजिस्ट इन बिटवीन अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, तो आप उनको भी ये हैंड ओवर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प होगा देखने में कि क्या आपके प्रीवियस सिम्टम्स रहे हैं, एंड शी कैन टेक फॉरवर्ड द थिंग फ्रॉम देयर इजिली. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज हैविंग फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स. जैसे ही आपको पता चले कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स. आपके डॉक्टर वैसे भी लिख ही देंगे ये तो. मैं पहले से प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज प्लानिंग फॉर इट, तो मैंने आई थिंक 45 डेज या 2 महीने पहले से फोलिक एसिड खाना शुरू कर दिया था. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यू आर इन द स्टेज वेयर यू वॉन्ट टू कंसीव, यू कैन हैव फोलिक एसिड 3 महीने पहले से भी. इट इज़ अ गुड सप्लीमेंट बेसिकली, जो कि बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनने में हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी में और न्यूट्रिशन से हमें उतने अच्छे से नहीं मिलता है, इसलिए इसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं. और बेबी का फॉर्मेशन इनिशियली जल्दी होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने लगता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इमीडिएटली शुरू कर दें, और आप चाहें तो उसे पहले भी शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ डाइट चार्ट. मुझे पता है क्रेविंग्स होती है, मुझे भी होती है थोड़ी बहुत, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, दैट्स फाइन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो बेबी को चाहिए और जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आप पूरा प्रोवाइड करें. उसके बाद इधर उधर थोड़ा बहुत खाना, दैट्स नॉर्मल, हम वैसे भी करते हैं. तो आई हैव अ वेरी गुड डाइट चार्ट जिसमें फ्रॉम माई डाइटिशियन, तो इसमें आपकी प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट्स लिखी है, और ये भी रीज़न है कि क्यों आपके बेबी के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वाई आर दीज नरिशमेंट न्यूट्रिशंस इम्पॉर्टेंट, एंड उसके क्या फूड सोर्सेज हैं, और एक सैम्पल मेन्यू भी है. तो मैं इसको, इसकी पिक्चर्स क्लिक करके लिंक कर दूंगी या फिर ऊपर अटैच कर दूंगी, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड हैव दिस फॉर योर सेल्फ. यहाँ पे एक अच्छा सा डाइट चार्ट, एक फूड ट्रायंगल भी है जो आपको दिखाता है कि कौन से फूड ग्रुप्स हैं, उसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे आपको लेना चाहिए ये सारा नरिशमेंट. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पीकिंग टू योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर. अगर आप वर्किंग हैं या आपके हस्बैंड ने आपके लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मेटर्निटी कवरेज कुछ होता है तो उसके बारे में जानिए, उनसे पूछिए कि हाउ मच यू आर कवर्ड फॉर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, और सी सेक्शन के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या प्राइसेस है, और इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, एज सून एज योर न्यू बॉर्न इज बॉर्न क्या न्यू बॉर्न भी कवर्ड है, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आप उनसे पूछ सकते हैं. और उनसे प्रोसेस पूछिए कि मुझे क्या क्या करना होगा. ऑल्दो ये आपको लास्ट में ज़्यादा काम आएगा, लेकिन शुरू में अगर आपको पता रहेगा कि इस टाइप का सपोर्ट आपको, आप एलिजिबल हैं, आपको मिल सकता है, दैट इट जस्ट मेक थिंग्स मच मोर ईजियर एंड हैप्पियर फॉर यू. अगली एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट ऑल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इज ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट कॉन्स्टिपेशन, और स्पेशली शुरू में, बिकॉज हमें चाहिए कि हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी हो, हम अच्छे से फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस करें, तो एट फर्स्ट 3 months आर वेरी क्रूशल, तो इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आप थके रहोगे हमेशा ही, फटीग्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा थकान होती है, और अगर मॉर्निंग सिकनेस ख़राब है तो और भी ज़्यादा पानी लूज़ होता है, तो आप पानी पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मैं नॉर्मली भी पानी पीना भूल जाती हूँ, तो मुझे इस ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर ने काफ़ी हेल्प किया. मैं इसको भर के रख देती थी टू मेक श्योर कि मैं कितना पी रही हूँ, तो जब ये मुझे आधा खाली या पूरा खाली नहीं दिखता था तो मुझे लगता था वो मैंने पानी नहीं पिया, तो आई मेक श्योर कि मैं पी लूँ. आप इसके अलावा ग्रेजुएटेड वाटर बॉटल्स भी रख सकते हैं, और यूजुअली मैं क्या करती थी कि मैं अपने वर्क स्टेशन पे एक बॉटल भर के रख देती थी, एक बेड साइड पे रख देती थी, एक डाइनिंग टेबल पे, एक ड्राइंग रूम में, एक किचन में, और ये भी रख देती थी. तो आई एम क्रिएटिंग अ एनवायरनमेंट जहाँ पे मुझे हर जगह पानी दिख रहा है तो मैं पी सकती हूँ, वरना क्योंकि होता क्या है कि आप इतने थक जाते हो
कि उठ के पानी भरने पीने का मन नहीं करता है और ना ही बहुत ज़्यादा कभी कभार बोलने का भी मन करता है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि आप आसानी से पानी पी सकें, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैंटी लाइनर्स, बिकॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, तो पैंटी लाइनर्स जस्ट हेल्प यू। दे आर जस्ट अ वे टू मेक यू फील बेटर इन केस आप बाहर गए हैं या फिर कुछ भी है, तो वो लीकेज को थोड़ा प्रिवेंट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, तो दे डेफिनेटली विल हेल्प यू। एंड अनदर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग कम्फर्टेबल ब्रास, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट बिकम वेरी सोर और बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आई वुडंट से कि आप जाके खरीदें, इन केस यू हैव द प्रिविलेज, जैसे मेरी प्रेगनेंसी सर्दी में थी, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यू डेफिनेटली नीड कम्फर्टेबल ब्रास, जितनी सॉफ्ट हो और जितनी लूज, थोड़ी लूज हो, वो आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि और हज़ार थॉट्स, क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये होगा, ये थॉट्स, इमोशंस, हैप्पीनेस, ओवरवेलमिंग, मैं मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो उन सबको हैंडल आप तभी बेटर कर सकते हो जब आप अपनी बॉडी में कम्फर्टेबल हो, अपनी चीज़ों, अपनी सराउंडिंग में कम्फर्टेबल हो। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है हैविंग कम्फर्टेबल ब्रा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं और भी वीडियोस डालूंगी प्रेगनेंसी टिप्स और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी एंड हाउ इट वॉज आपसे शेयर करूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको अगले अपलोड की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड हैव अ सेफ प्रेगनेंसी, हैव अ सेफ डिलीवरी। बाय बाय।